हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट्स। और जो रिलेशनशिप है जीरोज और कोफिशियंट्स के बीच में, वो भी हमें वेरीफाई करना है। तो बेसिक वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और इसमें कहा गया है हमें, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले इसकी जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं कि सम इसका होना चाहिए एक्स के का जो कोफिशियंट है माइनस 2, और प्रोडक्ट हो माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1, यानी कि माइनस 8। तो हमें ऐसे दो पार्ट्स, दो नंबर चाहिए जिनका अगर हम सम करें तो वो कितना आए माइनस 2, और प्रोडक्ट करें तो कितना है माइनस 8। अब देखो, अगर हम 4 और 2 लेते हैं तो अगर इसका सम करेंगे तो 6 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। और मैं अगर इसको माइनस 4 कर दूं तो यहां पे माइनस 4 और प्लस के 2, माइनस 2, सम माइनस 2 हो जाएगा। और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं माइनस 4 की 2 के साथ, माइनस 8 हो जाएगा। तो ये बन जाते हैं हमारे पास। प्यारे बच्चों, जब आप ये फैक्टर्स बनाते हैं, ये टुकड़े बनाते हैं, टू नंबर्स अपने दिमाग में सोचते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई के बारे में सोच रहे हैं और फिर उनके प्लस माइनस के बारे में, मींस पॉजिटिव रखने से क्या हो सकता है, एक को नेगेटिव रखें तो क्या हो सकता है, दोनों को नेगेटिव रखें, इस तरह से अपने दिमाग में सोच रहे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर होता चलेगा, और आप बड़ी फास्टली ये जो इस तरह से जो ब्रेक है वो कर पाओगे। शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बाद में जब अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप बड़ी आसानी से आप इसको कर पाओगे। अब यहां से देखो, इसकी जगह पे हम ये x लगा के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8। अब यहां से कॉमन लेंगे और यहां से कॉमन लेंगे, यहां से x कॉमन आ गया x स्क्वायर माइनस 4x में से, अंदर आ गया x माइनस 4, 2x माइनस 8 में से 2 कॉमन आ गया, यहां पे x रह गया 2 4 जा 8 2 4 आ गया। अब देखो x माइनस 4 यहां पे भी और यहां भी, ये दोनों जो फैक्टर होंगे हमेशा सेम होंगे। अब देखो x माइनस 4 यहां पे कॉमन आ गया हमारे पास, अंदर आ गया x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 4 को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहां पे x प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। हम लिखेंगे सो द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर 4 एंड माइनस 2। तो ये हमारे पास जीरो आ गए। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। यहां पे पहले कंपेयर कर लेते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2x माइनस के 2x और माइनस 8। तो हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी के नीचे लिख लिया ताकि क्लियर हो जाए। यहां पे हियर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बी एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, और सी कांस्टेंट टर्म ये है हमारे पास माइनस 8। अब पहले हम सम ऑफ जीरोज के बारे में बात करेंगे। सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये
क्या हमारे पास जीरो, देखो आई क्या है, एक तो फोर और एक माइनस टू, इनका प्लस करेंगे तो फोर प्लस माइनस टू मीन्स फोर माइनस टू, ये हमारे पास आ जाएगा टू। और इसको ही हम अगर हम कोफिशियंट के हिसाब से करें तो सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इसको हम कोफिशियंट्स के हिसाब से करें तो माइनस बी बाय ए है, तो माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस टू और डिवाइड बाय ए है वन, तो माइनस माइनस प्लस टू डिवाइड बाय वन तो वन ही रहा, तो यहां पे देखो टू और टू ये इक्वल आ जाते हैं, तो ये एक पार्ट हो जाता है हमारे पास। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल ये है हमारे पास प्रोडक्ट, अब की बार फोर और माइनस टू इसका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस एट आ जाएगा। और ठीक इसी तरह से इस प्रोडक्ट को हम देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इसको अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सी डिवाइड बाय ए, सी है हमारे पास माइनस एट और ए है हमारे पास वन, तो ये भी माइनस एट है, देखो ये भी हमारे पास हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो आपको टू ब्रेक्स करने हैं इस पार्ट के, क्वेश्चन ऑफ एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें टू पार्ट करके और उसको एक्स में लिखना है, यहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट वन। ठीक इसी तरह से हमारे पास पार्ट सेकंड है, तो बार बार हमें ये लिखना ना पड़े, तो इसमें से जो हमें चाहिए उसको हमने रख लिया। यहां पे सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, तो सम हमारे पास होना चाहिए माइनस फोर और प्रोडक्ट ये हमारे पास होना चाहिए वन की और इस फोर की मल्टीप्लाई यानी कि फोर। अब देखो टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर होगा और प्लस करेंगे तो प्लस का फोर होगा, लेकिन सम कितना होना चाहिए माइनस फोर, तो दोनों एक के आगे माइनस लगाते हैं तो सम जीरो हो जाएगा, तो दोनों के आगे लगा देते हैं माइनस तो सम माइनस फोर हो गया और प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मल्टीप्लाई फोर हो जाएगी, तो ये हम यूज करेंगे। अब इसको लिख देते हैं फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस और प्लस वन। अब यहां से देखो फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस, इसमें से टू भी कॉमन है और एक एस भी कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा टू और ये s माइनस, ये सारा का सारा बाहर चला गया। अब आप देखो इसमें देखो टू माइनस के टू एस और प्लस का वन है और यहां पे हमारे पास टू एस माइनस वन, तो यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको माइनस कॉमन भी कह देते हैं और माइनस वन कॉमन भी कह देते हैं, एक ही बात है। अब देखो जब माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट से, तो ये टू एस हो गया प्लस का और वन हो गया माइनस का, अभी दोनों एक जैसे हो गए, तो यहां पे 2s माइनस वन और यहां पे देखो ये कॉमन बाहर चला गया, यहां से ये बाहर चला गया, तो यहां से कितना रह गया 2s और अगर ये सारा ही बाहर चला गया तो माइनस वन आ जाएगा हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या करेंगे हम 2s माइनस वन को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, 2s इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय टू, तो एस इज इक्वल टू वन बाय टू, यहां से भी यही है 2s माइनस वन इज जीरो, 2s इज इक्वल टू वन, s इज इक्वल टू वन बाय टू, तो दोनों वैल्यू सेम आई, सो द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर वन बाय टू एंड वन बाय टू, तो ये हमारे पास जीरो आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है क्या है, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, इसको हम इक्वेट कर देंगे,
किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो यहां से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप वैल्यू निकालते हो तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 4 आ जाती है, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1। अब सम ऑफ द जीरोस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1/2 + 1/2 एलसीएम 2 आ गया। 1 + 1 यानी कि 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कोएफिशिएंट्स के हिसाब से देखें तो -b/a, बी की वैल्यू -4 है और यहां पे भी माइनस है, तो -, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 4/a की वैल्यू भी 4 है, तो 4/4 कितना आ जाएगा, 1। अब देखो जो जीरोस का सम है और कोएफिशिएंट के साथ अगर हम जीरोस का सम निकालते हैं तो सेम आता है, तो ये पार्ट हमारा हो गया। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट की अगर बात करें तो 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे जब 1/2 के साथ तो ये हो जाएगा 1/4। और कोएफिशिएंट्स के रिलेशन के साथ जब हम करेंगे, सी की वैल्यू है हमारे पास 1 और ए की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये भी हमारे पास 1/4 हो जाएगा। तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया, तो रिलेशन इज वेरीफाइड, तो ये भी हमारे पास इक्वल आया, यहां से ये इक्वल आया, तो लिख सकते हैं आप कि रिलेशन इज वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सेकेंड। ठीक इसी तरह से अगर हम पार्ट थर्ड की बात करें तो पार्ट थर्ड में मेरे बच्चों क्या है, 6x² - 3 - 7x। अब ये देखो 7x पीछे की तरफ लिख दिया, तो पहले हम इसको ठीक करके लिख देंगे कि 6x² - 7x - 3। अब हम देखेंगे कि सम हमारे पास कितना होना चाहिए, -7, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 के साथ तो -18। अगर हम 9 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, और इनको प्लस करेंगे तो ना 11 हो जाएगा, और अगर मैं इसको माइनस का कर दूं तो -9 और प्लस के 2 कितना आ जाएगा, -7, और मल्टीप्लाई करेंगे -9 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 6x² - 7x की जगह पे ये लिखेंगे 9x और प्लस 2x और -3। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे ये लिख दिए दोनों टर्म x लगा के। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे और इसमें से हम कॉमन लेंगे, देखो 6x² - 9x, तो 3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन है, तो यहाँ पे 3 × 2 = 6 होता है, तो 2 आ जाएगा और एक x, -3 × 3 = 9, 3 आ गया। अब आप ध्यान से देखो 2x - 3 है ये, बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखना है। अब अगले स्टेप में 2x - 3 कॉमन आ गया, अब यहां से हमारे पास 3x रह गया, यहां ये कॉमन चला गया तो प्लस का 1 आ गया। अब हम 2x - 3 को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं और 3x + 1 को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, 2x = -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा और x आ जाएगा 3/2। यहां पे 3x = -1, x = -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3। तो अब ये हमारे पास जीरोज आ गए, तो हम लिख देंगे, सो द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर कितनी है, 3/2 और -1/3, तो ये जीरोज आ गई। अब हम कंपेयर कर लेंगे ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है 6x² - 7x - 3, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए की वैल्यू हमारे पास 6 होगी, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3। अब हम सम ऑफ जीरो कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ जीरो के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, 3/2 + इसको ब्रैकेट में लिख लो -1/3, तो यहां से 3/2 - 1/3। अब इसका हम एलसीएम ले, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, यहां पे हमारे पास 9 - 2, यहां पे 9 इसकी साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से सोल्व करने से हमारे पास ये आ जाएगा 7/6। तो इस पार्ट से हमारे पास 7/6 मिला है। अब जो कोएफिशिएंट्स है उसके हिसाब से करके देखिए, अगर इसको कोएफिशिएंट में -b की वैल्यू -7 है तो माइनस ये पहले ही हमारे पास, और -7 लिखेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा और a की वैल्यू 6 है, तो 7/6।
देखो ये हमारे पास इक्वल आ जाते हैं, तो ये जो ये हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस के लिए। ठीक इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए करें तो प्रोडक्ट में आप देखेंगे एक तो है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाइड बाई, सेकेंड है हमारे पास -1/3, तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा -1/2, यहां से हमें मिलेगा -1/2। फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो सी डिवाइड बाई ए, सी की वैल्यू है हमारे पास -3 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है हमारे पास 6, 3 × 3, 3 × 2 = 6, तो -1/2। आप देखेंगे ये रिलेशन भी वेरीफाइड, तो द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट थर्ड। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं पार्ट फोर की तरफ। पार्ट फोर की तरफ सब में पहले बच्चों क्या है, प्रोसेस है सेम रहेगा, बस शुरू में आपको थोड़ी सी जो दिक्कत आएगी वो सिर्फ फैक्टर बनाते हुए आएगी, कि आपको जो फैक्टर बनाने पड़ेंगे दो नंबर्स लेने पड़ेंगे तो वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल क्वेश्चन है सारे। बात करें अगर पार्ट फोर की, फोर्थ पार्ट में है हमारे पास, फोर्थ पार्ट यह है हमारे पास 4u² + 8u। अब देखो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और सिक्स पार्ट, ये तो एक तरह से है, इसमें ax² टर्म भी है प्लस bx टर्म भी है और c टर्म भी है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट में जो एक टर्म नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये और भी आसान हो जाएगा। आप देखो इन दोनों टर्म में से u कॉमन है, जब कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो जो वेरिएबल होगा वो हमेशा कॉमन आएगा, चाहे ये एक्स में हो चाहे टी में हो। देखो मैं इसमें यहां से -8 हटा देता हूं तो x² - 2x में से x तो पक्का कॉमन आएगा, यहां से 1 हटा देता हूं 4x² - 4x में से s भी कॉमन आएगा और 4 भी कॉमन आएगा, यहां से मैं -3 हटा देता हूं 6x² - 7x में से x तो कॉमन आएगा, यहां से मैं -4 हटा देता हूं 3x² - x में से x तो कॉमन आएगा। अगर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो वेरिएबल तो जरूर कॉमन आएगा, वेरिएबल हमेशा कॉमन आएगा, और साथ में जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो भी कॉमन आ सकती है, जो कॉन्स्टेंट पार्ट है कुछ वो भी कॉमन आ सकता है। तो यहां से देखो यू तो कॉमन है ही है दोनों में है, यहां पे 4 है यहां पे 8 है तो 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो 4u जब कॉमन हो गया हमारे पास ये कितना रह गया, यहां पर यू रह गया और यहां पर 2 रह गया। अब आपको देखो दो फैक्ट्री तो बनाने थे, जब हम इसको सोल्व करते जैसे अगर हम बात करें कि x² - 5x + 6 इसको सोल्व करते हुए इसका सम इतना होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, उसको सोल्व करते हुए तो यहां ही यही तो पहुंचते थे लास्ट में कि x - 3 और x - 2, यानी कि टू टर्म्स ले आते थे मल्टीप्लाई की फॉर्म में। देखो एक तो ये 4u आ गई, एक टर्म तो ये होगी और इसकी मल्टीप्लाई में ये होगी, तो हमारा ये तो काम एक ही स्टेप में हो गया, तो बिल्कुल सिंपल हो गया, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं ज्यादा, ना हमें इसमें सम देखना ना इसमें हमें प्रोडक्ट देखना, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो एक बार तो हम क्या करेंगे 4u को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे और एक बार u + 2 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो जब हम 4u को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, देखो 4u का मतलब है 4 की u के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 की u के साथ मल्टीप्लाई 0 आ रही है, अब 4 तो 0 है नहीं है, तो दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब आती है, जब कम से कम एक 0 हो। अब 4 की u के साथ मल्टीप्लाई 0 है तो u क्या होगा, u 0 ही तो होगा क्योंकि ये तो 4 है, ये तो 0 है नहीं है, तो u हमारे पास क्या होगा 0, तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। अब यहां पे u = -2, यहां पर लिख देंगे सो द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर 0 और -2, तो ये 0s आ गई। अब 0s के कोरस्पॉन्डिंग अब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे 4
यू स्क्वायर प्लस 8u को। अब यहां से a की वैल्यू हमारे पास है 4, b की वैल्यू है 8, कॉन्स्टेंट टर्म इसमें नहीं है तो कॉन्स्टेंट होगी 0। अब फर्स्ट सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, 0 से 0 और माइनस 2, तो इनका जब सम करेंगे तो 0 है और प्लस माइनस 2, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 2 ही आएगा। और फॉर्मूला के हिसाब से देखिए, देखो b की वैल्यू हमारे पास 8 है तो माइनस है ही हमारे पास 8, a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 रख देंगे, 4 1 या 4 2 या, तो ये माइनस 2 आ गए, तो ये तो सेम आ गई हमारे पास। ठीक इसी तरह से अगर प्रोडक्ट की बात करें, 0 आया हमारे पास 0 और माइनस 2, 0 की जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 2 के साथ तो 0 आ जाएगा। और अगर इसके हिसाब से हम करें, c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 0 डिवाइडेड बाई 4 ये भी 0 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। तो जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो गया किसके बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशियंट्स के बीच में। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट 4। नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 5 में भी एक थोड़ा सा चेंज हो गया आपकी बार, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा चेंज, अगेन आप देखेंगे इसमें भी थोड़ा चेंज है। अगर हम बात करें पार्ट 5 की, तो यहां पे टी स्क्वायर माइनस 15 है। अब आप देखेंगे कि यहां पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर की टर्म तो है लेकिन एक्स वाली टर्म नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म भी है, यानी कि बीच वाली टर्म गायब है। फोर्थ पार्ट में कॉन्स्टेंट टर्म गायब थी, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो बीच में टर्म है एक्स वाली टर्म है वो गायब है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखो इसमें ये तो देखना ही नहीं कि सम कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना है, कैसे देखेंगे वो, तो सम और प्रोडक्ट तो जैसे 6x² माइनस 7x माइनस 3 तो तब देखते थे ना जब एक्स की टर्म होती थी, उसका जो कोएफिशिएंट है उससे देखते थे हम कि सम इतना होना चाहिए, प्रोडक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब ये तो टर्म है ही नहीं है, तो हमारे पास ये 4 क्वेश्चन तो एक टाइप के थे। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट था ये दूसरी टाइप है जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, और जो हमारा फिफ्थ पार्ट है ये एक अलग टाइप से है जिसमें बीच वाली टर्म नहीं है, यानी कि एक्स की टर्म नहीं है, एक्स वाली टर्म नहीं है। अब यहां से देखेंगे आप इसको कैसे करेंगे हम, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये सबसे ज्यादा सिंपल है। आप देखोगे यहां से इसको टी स्क्वायर इज माइनस 15 है, इसके आप फैक्टर बनाएंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। अब आप देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ऐसा हो गया ना हमारे पास। एक चीज ध्यान रखेंगे जैसे रूट 15 का स्क्वायर हमारे पास कैसा होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो 15 होता है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, इस तरह से लिख दिया 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया ताकि हम ये वाली आइडेंटिटी बना सके, ताकि हम ये आइडेंटिटी बना सके। अब ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दो इस पे, देखो ये ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अगर हम इसको हम टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। अभी फैक्टर बन गए, देखो यही तो हमें चाहिए थे, फैक्टर ही तो चाहिए थे, तो एक बार हम टी प्लस रूट 15 को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं और एक बार टी माइनस रूट 15 को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं। यहां से सॉल्व करेंगे टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15 और यहां से सॉल्व करेंगे टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस रूट 15, तो ये हमारे पास जीरो आ गई, तो जीरो आ गई हमारे पास माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, ये आ गया हमारे पास। आप इस क्वेश्चन को और छोटे तरीके से करना चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, सीधा ये उस केस के लिए है जब हमारे पास जो बीच वाली टर्म है स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से जो एक्स वाली टर्म होती है वो नहीं होती, टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसकी जीरोज निकालने के लिए आप इसको जीरो के साथ इक्वेट कर दो,
तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो दूसरी साइड में स्क्वायर है, यहां पे जब भी स्क्वायर रूट आते हैं तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस लगाते हैं। तो टी की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई प्लस रूट 15 और एक वैल्यू आ गई माइनस रूट 15, तो यही तो आया है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी कर ले बेशक आप, और या फिर इस तरीके से। ये तरीका मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये इन सभी तरीकों के साथ मैच करता है, तो आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जीरोस तो आ चुकी हैं। अब जीरोस आ चुकी हैं, अब हम कंपेयर कर लेते हैं इसको। क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 है, यहां पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो अभी जब ये टी में है ना, तो इसको भी हम टी ही कर लेंगे। ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसको कंपेयर करेंगे हम, जैसे हमने फोर्थ पार्ट में और सेकंड पार्ट में यहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रह दिया ना, तो आप चाहे तो जैसे यू में है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यू में लिख दे, और फोर्थ सेकंड पार्ट में एस में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप एस में लिख दे। तो यहां पे अब ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, और बी बी जो टी के साथ टर्म है, टी है ही नहीं इसमें, तो वो 0 हो जाएगा, और सी जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो हमारे पास है माइनस 15। अब सम ऑफ द जीरोस, इन दोनों का प्लस कर लें, तो एक तो है माइनस रूट 15 प्लस एक है रूट 15, तो जब इनको प्लस करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से देखिए तो माइनस बी की वैल्यू 0 है, तो माइनस 0 डिवाइड बाय 1, तो ये भी 0 आएगा, तो ये तो हो गया हमारे पास। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है हमारे पास माइनस रूट 15, माइनस रूट 15 इसकी मल्टीप्लाई करनी है रूट 15 के साथ, तो एक तो माइनस आ जाएगा, माइनस रूट 15 और माइनस रूट 15, ये तो माइनस लिख दिया, रूट 15 की रूट 15 के साथ करेंगे तो रूट 15 का स्क्वायर यानी कि 15 हो जाएगा, रूट 15 का स्क्वायर 15। अब यहाँ पे सी डिवाइड बाई ए के हिसाब से सी है हमारे पास माइनस 15 और ए है हमारे पास 1, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस 15। तो आप देखेंगे ये भी हमारे पास क्या करते हैं, इक्वल रहते हैं, तो रिलेशन है जो वो वेरीफाइड हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट 5। ठीक इसी तरह से हमारे पास जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब याद देखो आपके पास सम कितना होना चाहिए, जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना है माइनस 1, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट है माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हो गया माइनस 12। तो आपको ऐसे दो टर्म्स चाहिए, दो नंबर चाहिए जिनका सम करे तो माइनस 1 आए और उनकी मल्टीप्लाई करे प्रोडक्ट करे तो माइनस 12 आए। तो आप देखें अगर हम 4 और 3 लें तो सम करेंगे तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन मैं अगर इसको माइनस 4 कर दूं और इसको 3 कर दूं तो इनका सम करेंगे तो माइनस 1 आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम x लगा के ये लिख देंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो कह रहे बच्चों बेसिक वीडियो में हमने डिटेल में बात की है और पार्ट 5 हमने सोल्व कर लिए, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 6 एक जैसे ही है, तो ये जो पार्ट है इसको आप खुद करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको खुद कंप्लीट करेंगे और इसका जो आंसर है वो निकालेंगे, इसकी जीरोस निकालेंगे और फिर जो रिलेशन है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में उसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है फैक्टर लाते हुए, लेकिन जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो आपको बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चन में, और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।